वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे पीटेट व बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल राजस्थान के प्रमुख दुर्ग यानी किलों के उपनाम व प्राचीन नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से पीटेट के और बीएसटीसी के एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए पीटेट और बीएसटीसी का एग्जाम प्री एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको राजस्थान जी के बीएसटीसी के लिए और इंडिया जी के पीटेट के एग्जाम में तैयार करना पड़ेगा। तो दमदार तैयारी और सफलता सुनिश्चित करें प्रश्नों के माध्यम से। हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच पाए। परीक्षा में आने वाले डेली हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शॉर्ट वीडियो के साथ वीडियो अपलोड करवाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने पहली बार से तैयारी करी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे प्रताप क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त कर दी जाएगी। तो जरूर जो है सब्सक्राइब करें। और प्रमुख किले, यहां से एक प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला हमारा जो है वन लाइनर प्रश्न होंगे, जो इंपॉर्टेंट है, पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सीधे के सीधे बीएसटीसी के एग्जाम में और पीटीटी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। राज्य प्रमुख किलों के उपनाम, देखिए पहला दुर्ग है हमारा जल दुर्ग। किस दुर्ग का नाम है, यानी जल दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है, उसे क्या कहते हैं जल दुर्ग के नाम से? तो गागरोन का दुर्ग, और ये पक्का बीएसटीसी और पीटीटी में देखने को मिलेगा, 100% कर लेना। तो गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? एक तो झालावाड़ में, कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में है और इसे जल दुर्ग कहते हैं। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये है काली सिंध और अहू नदी के ऊपर। ये एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो ये तो 100% पक्का कर ही लो, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन रहे हैं अहू नदी पर, ठीक है। ये हो गया। एक संत पीपा की छतरी पूछी जाती है, वो कहां पे है? तो इस दुर्ग में ही है, संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी कहां पे है? इस गागरोन दुर्ग में है। मीठे साय की दरगाह इस गागरोन दुर्ग में है। अगर आपसे पूछ ले हमीबुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां पे है, तो नागौर में है, गलती से गागरोन दुर्ग मत कर देना, ठीक है। इसका जवाब आपको मिल चुका है, तो जल दुर्ग गागरोन दुर्ग को कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इसी प्रकार हम जितने भी दुर्ग नदियों के ऊपर बने हुए हैं, नदियों के पास से गुजरे, उनकी भी हम शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, और कौन सी पहाड़ी पर उसका भी हम स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं। देखिए, बादशाह दुर्ग किसका उपनाम है? बादशाह का दुर्ग किसको कहते हैं? तो ब्याना के दुर्ग को बादशाह का दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे दुर्भेदता के कारण इसे क्या कहा जाता है? ब्याना, यानी शाहबाद का दुर्ग भी कहा जाता है। और ये ब्याना कहाँ पे है? भरतपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर जिले में ब्याना दुर्ग है, जिसे बादशाह का दुर्ग भी कहा जाता है। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दमदमना की पहाड़ी। पूरा दम लगा देना है, जब आप ब्याना की दुर्ग पर चढ़ो तो दमदमा की पहाड़ी पर बना हुआ है ब्याना का दुर्ग भरतपुर में। अगर आपसे पूछ ले लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है, तो ये है भरतपुर के अंदर, जिसका निर्माण सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगले बात करते हैं दुर्ग की। देखिए, पूरव का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? पूरव का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग, इसे कहते हैं अजमेर का दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग, अजमेर का दुर्ग, ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर ही है। और ये जो राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था इस दुर्ग को, ये पूछा जाता है। तो विश्व हेब्बर ने ये कहा था कि इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कौन सा हो जाएगा? अजमेर दुर्ग। अब आपको बताना है कि राजस्थान का प्रथम जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। 683 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण अजयपाल के द्वारा अजमेर के अंदर बीठली पहाड़ी पर करवाया गया था। किस पर? बीठली पहाड़ी के ऊपर करवाया गया था। आगे है हमारा चिले का टीला उपनाम से जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और ये जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है जयगढ़ दुर्ग, इसे क्या कहते हैं? चिले का टीला। आगे है भरतपुर के दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? ये देखिए, भरतपुर जो दुर्ग है उसे कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था। और चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है? तो भरतपुर दुर्ग यानी लोहागढ़ दुर्ग है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? ये देखिए, पहले आया था जल दुर्ग, किसे कहते हैं? गागरोन को। इसके भी प्राचीन नाम है डोडगढ़ और धूलरगढ़,
क्या है डोडगढ़ और दुलरगढ़, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में अब पूछे जाने वाले हैं, ये रह चुके हैं। तो घाघरोंदुर को डोडगढ़ और दुलरगढ़ के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, तो इसे जाबलीपुर कहते हैं, सोनगिरी कहते हैं और सोनलगढ़ के उपनाम से भी जाना जाता है, किसको, जालोर दुर्ग को। अगला है राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं राजमहल को, और ये किसने कहा था, फर्ग्यूसन ने, किसने, फर्ग्यूसन ने कहा था। अगला देखिए प्रश्न, जोधपुर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, जोधपुर दुर्ग को कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग या मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेहरानगढ़ या कहते हैं इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, किसको, जोधपुर दुर्ग को। यानी अगर आपसे पूछ ले कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है, मयूर ध्वजगढ़ है, ठीक है। आगे है आबू दुर्ग का किस नाम से जाना जाता है, आबू दुर्ग को किस नाम से, तो अचलगढ़, ये कहां पे है, सिरोही के अंदर है, कहां पे, सिरोही के अंदर है, इसे आबू का दुर्ग, इसे अचलगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। बूंदी का किला के उपनाम से, तो तारागढ़, इसे तिलिस्मी किला भी कहा जाता है, तिलिस्मी किला, तो ठीक है, तारागढ़ दुर्ग, एक तारागढ़ दुर्ग कहां पे है, अजमेर के अंदर, अगर आपसे पूछ ले तो बूंदी का किला कहां पे है, तारागढ़ के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर, बूंदी के अंदर है ये तारागढ़। अगर आपसे पूछ ले दूसरा तारागढ़ कहां पे है, तो ये हुआ अजमेर के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए अजमेर के किले का उपनाम क्या है, ये देखिए आ गया तारागढ़, अजमेर दुर्ग और गढ़बेटली दुर्ग, ये है आपको याद रखना है अजमेर के किले का नाम। अकबर के किले का नाम क्या है, मियगजीन का किला। अब आपको बताना है कि ये मियगजीन का किला कहाँ बना हुआ है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी करें उनके लिए। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का उपनाम क्या है, नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर का उपनाम है, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और ये बीएसटीसी पीटेड में दो तीन बार आ चुका है, नाहरगढ़ याद रखना है, सुदर्शनगढ़। आगे बात करेंगे, देखिए नागौर के किले के प्राचीन नाम क्या है, नागौर के किले का प्राचीन नाम है नाग दुर्ग कहते हैं इसे, अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नागौर का प्राचीन नाम क्या था, अहिछत्रपुर, तो ये आपको याद रखना है, पक्का पूछा जाता है। बीकानेर के किले का उपनाम जूनागढ़ दुर्ग, आप जाते हो बीकानेर तो बीकानेर का दुर्ग कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है। हनुमानगढ़ का किला का उपनाम है बटनेर दुर्ग, तो बटनेर दुर्ग कहां पे है, हनुमानगढ़ में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, बटनेर दुर्ग पर हुए, यानी इसे कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बटनेर दुर्ग को कहा जाता है, और सर्वाधिक आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं, ये कहां पे, हनुमानगढ़ में, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखिए आगे बात करते हैं हम, अगला शेरगढ़ हाड़ोती के किले का उपनाम क्या है, तो इसे कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग, और ये है कहां पे, ये है बारा के अंदर, कहां पे है, बारा जिले के अंदर है शेरगढ़ का दुर्ग, इसे कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग। अगला है अलवर दुर्ग का उपनाम है बाला दुर्ग, इसे क्या कहते हैं, बाला दुर्ग, अगर आपसे पूछ ले बाला किला कहां पे है, तो अलवर के अंदर है। ब्याना दुर्ग के उपनाम है विजय मंदिर गढ़ भी इसे कहते हैं, क्योंकि विजय सेन इसका निर्माण करवाया था, तो ब्याना दुर्ग का उपनाम विजय मंदिर गढ़ भी आता है। आगे देखिए जैसलमेर के किले के उपनाम क्या है, जैसे इसे कहते हैं सोनार का किला, त्रिकुट दुर्ग और सोनारगढ़ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एक तो जैसलमेर के किले का उपनाम है इसे सोनारगढ़ कहते हैं, ठीक है। सुवर्ण, अगर आपसे पूछ ले सुवर्ण, तो वो कौन सा हो जाएगा, जालोर, सुवर्ण आ जाए इधर तो तब का होगा जालोर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सोनार आ जाए तो जैसलमेर, ये कंफ्यूज मत होना, त्रिकुट दुर्ग कहते हैं और सोनारगढ़ कहते हैं। अभी जस्ट अगला वीडियो हमारा जितने भी दुर्ग पहाड़ियों पर बने हुए उनका वीडियो और नदियों पर बने हुए एक साथ वीडियो लेकर आते हैं। देखिए चोमू का किला किस उपनाम, चोमू को, किले को, ये है चोमू जयपुर के अंदर है और ये चोमुहागढ़ इसे कहते हैं उपनाम। कुंभलगढ़ के किले का उपनाम क्या है, तो कुंभलमेरगढ़ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कुंभलमेरगढ़, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं, कुंभलमेरुगढ़, ये कुंभलगढ़ कहां पे, राजसमंद के अंदर है। अगला देखिए मीठड़ी का किला, मीठड़ी का किला जोधपुर कहां पे है, जोधपुर में, और इसका उपनाम है मांडव्यपुर दुर्ग, ये याद कर लेना, मीठड़ी का किला जोधपुर में है और इसे कहते हैं मांडव्यपुर दुर्ग। देखिए वल्लभगढ़ किले का उपनाम है उंटाला का किला, क्या है, उंटाला का किला, ये आपको याद रखना, और ये उंटाला का किला कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है ये उंटाला का किला।
दक्षिण की चाबी किसका उपनाम है? तो असोरगढ़ को कहते हैं, दक्षिण की चाबी असोरगढ़ को कहते हैं। अगला देखिए, जल दुर्ग, ठीक है, तो जल दुर्ग किस दुर्ग में है? घाघरों दुर्ग आ गया। बादशाह दुर्ग का किसका उपनाम है? ब्याना दुर्ग का। पूर्व का दूसरा जिबलाटर किसे कहते हैं? अजय मेरु दुर्ग को। अगला देखिए, चिल्ले का टीला हमने चर्चा कर ली है, किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। भरतपुर के प्राचीन नाम है लोहागढ़ दुर्ग। घाघरों दुर्ग का प्राचीन नाम है, इसे कहते हैं डोटगढ़ या दूधरगढ़, ठीक है। तो देखिए और चर्चा कर लेते हैं, जलोर दुर्ग का नाम हमने कहा था जाबलीपुर और सोनगिरी और सोनलगढ़। राजस्थान का विंडरसर महल है राजमहल, ये याद रखना है, ठीक है। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने चर्चा कर ली है। इसी प्रकार डेली हम BSTC पीटेट के एग्जाम के लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ डेली प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप BSTC व पीटेट के एग्जाम को अच्छी तरीके से कवर कर पाए। और यहां से मैं जो करवाऊंगा पक्का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो आप सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।